वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आन्ना अग्रवाल और आप देख रहे हैं क्रेजी आन्ना। तो फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ एक चैलेंज जिसका नाम है 100 रुपीज़ चैलेंज। तो इस चैलेंज में मेरे को फुल डे बिताना है अपना 100 रुपीज़ पे। जो भी मैं खाऊंगी 100 रुपीज़ में, अगर वो मतलब मेरे को जो भी खाना है वो 100 रुपीज़ के अंदर अंदर आना चाहिए। तो अभी पापा ने बोला कि अगर तुम्हें दूध पीना है तो तुम्हें 10 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं ये चैलेंज कभी नहीं किया और मैं जो है ये चैलेंज मैं अपने पैसे बचाना चाहती हूँ। तो चलो करते अपना चैलेंज स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मेरे को मेरे 100 रुपीज़ मिल गए हैं। तो चलो अब चैलेंज स्टार्ट करते हैं। अभी तो मेरे को भूख नहीं लग रही, अभी मैं अपना देखती हूँ क्या करना है। 1 hour later फ्रेंड्स, अब मैं नहा ली हूँ और मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग गया। जहाँ से मेरा प्लान है खाना खाने का, वो शॉप 12 बजे खुलती है और अभी 10 बज रहे हैं। तो बताओ इतने देर में कैसे भूखी रहूँगी, मैंने दूध भी नहीं पिया सुबह से, अब क्या करूँ मैं पता नहीं। और मैं जहाँ से छोले भटूरे खाती हूँ वहाँ की एक प्लेट बहुत महंगी है अभी 100 रुपीज़ चैलेंज में, और वो लेकिन जल्दी भी खुल जाती है, क्या कर सकते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैं आई हूँ अभी छोले कुलचे खाने के लिए और जो है मतलब मेरा पेट को थोड़ा सहारा मिल जाएगा खाने से। तो चलो खाते हैं अब छोले कुलचे। भैया एक प्लेट कितने की है? भैया थोड़ा सा कम कर दो, 30 रुपीज़ की दे दो एक प्लेट। भाई आप प्लीज, मेरा चैलेंज चल रहा है, मेरे को अपना 100 रुपीज़ में पूरा डे में जो भी मैं खाऊंगी जो भी मैं पीऊंगी वो सारा करना है। भैया फिर मैं डिनर लंच कैसे करूंगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप मेरे को प्लीज 30 रुपीज़ में दे दो। भैया दे दो फिर। भैया छोले में ना मसाला मत डालना ज्यादा। भैया चटनी मत डालो, चटनी मत डालो, चटनी नहीं खानी। नहीं सलाद। भैया मैंने आपकी चटनी सलाद वलाद सब मना कर दिया खाने, जो पैक कर रहे हो आप, तो उसमें आप मेरे को वो दे देना ज्यादा छोले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे कुलचे बन रहे हैं इधर। यहाँ पे छोले बन रहे हैं हमारे। सब पैक कर रहे हैं हमारे अंकल छोले कुलचे। फ्रेंड्स अब हमने छोले कुलचे अपने ले लिए हैं, अब हम घर जाके अपने छोले कुलचे को एंजॉय करेंगे। और अच्छा हुआ कि मेरे को 30 रुपीज़ में छोले कुलचे मिल गए, बहुत बढ़िया हुआ। अब दोबारा से टेस्ट, क्योंकि पहले वाले में मिर्ची थी थोड़ी। हाँ भैया सही है।
तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी छोले कुलचे की प्लेट आ चुकी है, मेरी आ चुकी है 30 रुपीज़ में। फाइनली मैं ये चैलेंज में एक बारी तो सफल हो चुकी हूँ, अब बाकी देखना पड़ेगा, अब लंच का देखेंगे। तो अभी पहले ये खाते हैं, उसके बाद देखेंगे लंच में क्या करना है हमें। फ्रेंड्स अब मेरे को 2-4 घंटों तक भूख नहीं लगनी, मैं तो अपना खा कर सो जाऊँगी और उसके बाद स्नैक्स में देखना है कि क्या करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी भूख नहीं है। 2 hours later. तो फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट का काम तो हमारा हो चुका था, मैंने छोले कुलचे खा लिए थे और छोले कुलचे खाने के बाद मैं सो गई थी क्योंकि मेरे को बहुत नींद आ रही थी। अब मैं उठ गई हूँ और मेरे को इतनी जोर वाली भूख लगी है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अब मैं खाने वाली हूँ समोसे दो। तो चलो भैया से पूछते हैं 2 समोसे कितने रुपये के आने वाले हैं, आई होप कम के आए। 2 समोसे कितने के आएंगे? ठीक है भैया, भैया अगर चटनी ना ले तो कोई डिस्काउंट मिलेगा क्या? शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा ठीक है भैया, 2 समोसे दे दो आप। तो फ्रेंड्स अभी मतलब भैया ने हमें 24 रुपीज़ के 2 समोसे दिए हैं, अब कोई बात नहीं, हमें 24 रुपीज़ देने पड़ेंगे, हमारा काम चल जाएगा, 70 रुपीज़ बचे भाई। तो और अभी आदि पता क्या बोलता कि यहाँ पे ना टिक टैक लगे हुए, तो बोलता मैम आप ना अपने जो है 10 रुपीज खर्च करोगे। मैंने कहा क्यों? तो देखो अच्छा बेटा मेरे पैसे से खर्च करवाएगा है आदि। फ्रेंड्स अब मैंने ले लिया अपने समोसे, अब मैं घर जाके अपने समोसे खाऊंगी, तो चलो चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स बहुत थक गई हूँ और ये चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है, और अब पता चल रहा है पैसे कितने लग रहे हैं। तो चलो अब अपने समोसे खाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आ गए हैं मेरे समोसे, तो चलो अब मैं अपने समोसे खा रही हूँ, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। मेरे को नहीं लगता अब समोसे के बाद मेरे को 1-2 घंटे तक भूख लगने वाली है। समोसा आदि ने भी लिया है समोसा, ये मेरे पैसों का नहीं है, ये अलग से आदि ने लिया है। और चलो मैं अब तो अपना समोसा खा रही हूँ। फ्रेंड्स अब मेरे को लग गई है भूख, अब मैं आई हूँ डिनर करने अपना। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं चाउमिन खा लूँ, तो चलो देखते हैं हाफ या फुल प्लेट कितने की आती है। एक प्लेट चाउमिन की कितनी है? और हाफ? ठीक है आप हाफ प्लेट दे दो, बिना पत्ता गोभी वाली देना। तो फ्रेंड्स 46 रुपीज़ मेरे पास बचे थे और 40 रुपीज़ की हाफ प्लेट चाउमिन आ जाएगी होपफुली। मैंने मतलब कर ही लिया आसानी से, अपना चैलेंज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। अभी मेरे पास फिर बचेंगे 6 रुपीज़, तो देखने हैं कुछ आ जाए 6 रुपीज़ में आइसक्रीम वगैरह एंड में स्वीट में, तो खा लूँगी, अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स मेरी चाउमिन आ चुकी है इधर। तो फ्रेंड्स मेरे पास 6 रुपये बचे हैं बस, मैंने चाउमिन खरीद लिया है। अब ना मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 6 रुपीज़ हैं। और यहाँ पे मैंने सुना है कि मतलब सबसे कम जो आइसक्रीम रेट की है वो 10 रुपीज़ की है, तो हम भैया से पूछते हैं क्या हमें वो 6 रुपीज़ में दे देंगे, देखते हैं। भैया मेरा चैलेंज चल रहा है जिसमें मेरे को 100 रुपीज़ में पूरा डे बिता रहा है, तो आप मेरे को 6 रुपीज़ में आइसक्रीम दे दोगे क्या? प्लीज़ भैया दे दो, भैया प्लीज दे दो ना। ठीक है भैया निकाल के देंगे। थैंक यू भैया। तो फ्रेंड्स मेरे को मेरी आइसक्रीम मिल चुकी है और मैंने भैया से रिक्वेस्ट की भैया दे दो, तो भैया ने दे दिया, तो चलो अब इसे खाएंगे हम लोग। फ्रेंड्स भैया ने मेरे चैलेंज के लिए उन्होंने कोई भी पैसे नहीं लिए मेरे से, जो 6 रुपीज़ थे वो भी नहीं लिया। थैंक यू भैया। भैया ने रिक्वेस्ट किया अंकल मुझे 10 रुपये में ही चाहिए, इसके पास पैसे 6 रुपये थे, अदर
बड़ी दुकानों पे इन्हें कुछ भी परसेंटेज में छूट नहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे हैं, इनको देखें, इनकी रिक्वेस्ट इनकी पूरी कीजिए किसी तरह। थैंक यू, थैंक यू भैया। आग लगा दी। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रही आइसक्रीम, और मेरे को इतना अच्छा लगा, उन भैया ने मेरे को फ्री में दे दिया। पहले तो मैं भूल गई थी कि पैसे लिए उन्होंने नहीं लिए। हम लोग जाने वाले थे, उन्होंने कहा कि मतलब हम जाने नहीं वाले थे, उन्होंने कहा कि मैं बच्ची से पैसे नहीं लूँगा। और फिर एकदम से क्लिक हुआ, अरे हमने तो पैसे ही नहीं दिए। फिर हमने बोला भैया ले लो, लेकिन भैया माने नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगा। तो उन्होंने फ्री में दे दी। मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा, अभी कोई फ्री में नहीं देता, मतलब कोई भी फ्री में नहीं देगा मेरे को ऐसे आइसक्रीम वगैरह कुछ भी चीज़ें फ्री में कोई नहीं देता। उन भैया ने फ्री में दे दी, भैया को थैंक यू बहुत वाला बहुत। चलो अब आइसक्रीम खा रही हूँ मैं तो अपनी। आइसक्रीम टेस्टी है। फ्रेंड्स, मेरी चाउमीन आ चुकी है, ये रही मेरी चाउमीन। चलो टेस्ट करके आपको बता दे कैसी चाउमीन है। मैं भी टेस्ट करूंगा। सॉरी। कैसी है? यम्मी। तो फ्रेंड्स, मेरा चैलेंज हो चुका है कंप्लीट, और मेरे को सच में बिल्कुल भूख नहीं लग रही। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैंने 100 रुपीज़ में पूरा दिन बताया, मेरे को ऐसा लगा कि नॉर्मल जैसे डेज बताते हैं वैसा हुआ सच में। और सबसे अच्छी बात अन्या की ये रही कि अन्या ने कोई भी चीटिंग नहीं करी। मैंने उसको जैसे सुबह उठती है तो ये दूध पीती है, तो उसने वो दूध भी नहीं पिया। और इसको बीच में भूख लग रही थी, तो उसने मुझे कहा मुझे भूख लग रही, तो मैंने उसको बोला अगर बिस्किट वगैरह लेना चाहो तो खा लो। पर अन्या ने कहा नहीं, मैं पूरा अच्छे से इसको अपना चैलेंज पूरा करूँगी, कोई बेईमानी नहीं करूँगी, कोई चीटिंग नहीं होगी। तो सबसे अच्छी बात यही है कि इस चैलेंज को उसने बिना किसी चीटिंग के पूरा किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो ज़रूर करना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय बाय। और हाँ, कि अगर मेरे वीडियो पे 200 लाइक्स आए तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी, लेकिन उसमें मैं 50 रुपीज़ चैलेंज करूँगी। एंड बाय बाय।